बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिजी। आप देख रहे हैं देसी किचन विद शिजी। देसी किचन में बन रहा है आज पास्ता। पास्ता बनाऊंगी दो तीन किस्म का, इंशाल्लाह देखिएगा ये भी आपको बहुत पसंद आएगा, वो भी घर की चीजों से। इंशाल्लाह ताला हम लोग इतना मजे का यम्मी सा पास्ता बनाएंगे जो आपको इंशाल्लाह छोटों को बड़ों को सबको पसंद आएगा। तो चले जी करते हैं स्टार्ट, क्योंकि दो तीन किस्म का बनाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए हमने क्या करना होगा, बिस्मिल्लाह मैंने पास्ता ले लिया है। आप कोई सी भी शेप ले लें, बो वाला ले लें, इस तरह का ले लें, जो भी आपको अच्छा लगता है या आसानी से जो मिलता है वो ले लें। मेरे पास ये है, इसको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। इसको उबालने का तरीका तो सबको पता होगा कि इसको कैसे बॉइल करना है। कुछ ज्यादा कुक भी नहीं करना होता और कच्चा भी नहीं रखना होता। इसको उबलते हुए पानी में एक चम्मच नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ये पास्ता डाल दें और अच्छे से इसको बॉइल कर लें। जब आपको आइडिया हो जाए कि हाँ जी ये हो गया है, तो इसको निकाल के छान के इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें। देखिएगा इस तरह से खिलता हुआ जबरदस्त सा पास्ता तैयार हो जाएगा। इस पे ऑयल डाल देंगे तो ये चिपकेगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी देर रखने के बाद अगर ये आपस में चिपकता है तो कोई मसला नहीं है, परेशान ना हो, इस पे फिर पानी डाल दें, ये फिर ठीक हो जाएगा। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। अभी मैं बना रही हूँ वेजिटेबल पास्ता चिकन के साथ, बहुत मजे का होगा इंशाल्लाह, ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए हम करेंगे बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा सा बटर मैंने ऐड कर दिया है कढ़ाई में, साथ ही थोड़ा सा ऑयल डाल दें ताकि ना ये बटर जो है ना, ये मक्खन जो है ना, ये जले ना। साथ ही थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तो सही रहेगा। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप डायरेक्ट ऑयल में या घी में भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए तो साथ ही ये देखें थोड़ा सा लहसुन के जवे थे इनको मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये भी ऐड कर देते हैं। एक मिनट तक ना पूरा इसको फ्राई करें लहसुन को, ताकि इसकी जो हल्की सी स्मेल है ना वो चली जाए, ये कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही आपको लगे कि ये ख़त्म हो गई है इसकी स्मेल, तो चिकन ऐड कर दें। 100 ग्राम के करीब ना ये चिकन है। अब इसको इसमें ऐड करके अच्छे से इसको भी फ्राई करें, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, इसको पकाते रहें। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर इसमें मसाले डालते हैं। मसालों में ये देखें काली मिर्च होगी, आपके पास अगर ओरिगानो है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा नमक, रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च, इनको डाल के अच्छे से हम लोग ना फिर दोबारा भून लेते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ मुश्किल रेसिपी को इतनी आसान कर दूँ ताकि आपको करने में बहुत आसानी हो। इन चीज़ों के बाद ना हमने अब इसमें सब्जियाँ ऐड कर देनी है। मैंने ली है शिमला मिर्च है, गाजर है, और ये छोटे छोटे ना क्यूब्स में मैंने आलू काट लिए हैं। बिस्मिल्लाह। आपकी मर्जी है, सब्जियां आपने अपनी मर्जी के हिसाब से ऐड करनी है, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं, जो आप पसंद करते हैं। सब्जियां डालने के बाद ना आधी चम्मच चीनी ऐड कर दें ताकि सब्जियों का कलर बरकरार रहे। पूरी फाइनल रेसिपी तैयार होने के बाद भी ना ये चीनी डालने से इंशाल्लाह देखिएगा इसका कलर बड़ा प्यारा आएगा। और देखिए चीनी डालते साथ इतनी प्यारी शाइन भी आ गई है। जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम इसमें सॉसेस ऐड करते हैं। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन हमें इसको अच्छे से तेज़ आंच पे फ्राई करते हुए, और अब हम इसमें डालते हैं सॉसेस। तो इसमें पहले मैं ऐड करूँगी केचप, नॉर्मल केचप घर में बनी हो चाहे बाजार से हो, जो उनसे भी आपके पास मौजूद है वो डाल दें। अच्छे से साथ साथ बर्तनों को साफ भी कर लें ताकि अब इसके साथ कोई लगी ना रहे और ज़ाया ना हो। थोड़ी सी हम लोग चिली सॉस डाल देंगे। चिली सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस ये डालने से ज़्यादा ना फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। और साथ ही हम लोग ना सोया सॉस ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छे से इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसमें पास्ता ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाह। ये लें जी, इतना काफ़ी है क्योंकि मैंने दूसरी रेसिपी भी बनानी है। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक किस्म का पास्ता बनके रेडी है। इंशाल्लाह मैं आपको तीन किस्म के पास्ते बनाने सिखाऊंगी, जैसे ये वाला बताया है ये भी बहुत इजी है, इसी तरह बाकी भी बहुत इजी होंगे इंशाल्लाह, देखिएगा आप झटपट से बना लेंगे। अब इसको मैं प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह का पास्ता रेडी हो गया। तो देखें माशाल्लाह कितना आसान था, कितने इजी तरीके से मैंने आपको बताया घर की चीज़ों से ये पास्ता बनाना। तो अब मैं दूसरी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ, इंशाल्लाह वो हम चीज़ी पास्ता बनाएंगे, वो भी आपको बहुत पसंद आएगा, वो भी बहुत आसान होगा। तो उसके लिए मैंने पैन रख दिया चूल्हे पर। बिस्मिल्लाह। उस पर ऐसे ही बिस्मिल्लाह बटर ऐड कर देंगे।
बटर मेल्ट होने से पहले पहले हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल या घी जो भी आपको पसंद है, जो भी वो ऐड कर देंगे इसमें। जैसे ही ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इससे ज़्यादा फ्लेवर अच्छा लगता है, मज़े का आता है, खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अगर आपके पास ये नहीं है, बाज़ार वाला मक्खन आपके पास नहीं है, तो आप घर का मक्खन यूज़ कर लें। अगर घर का मक्खन भी नहीं है तो आप लोग खाली घी में या ऑयल में जिसमें मर्ज़ी बना लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं चीज़ों से ही बनेगा, लेकिन इन चीज़ों से बनने से अच्छा लगता है, फ्लेवर मज़े का आता है। ये देखें, एक चम्मच के करीब लहसुन अदरक का फ्रेश मैंने अभी अभी ये भी कद्दूकश किया है, इसको ऐड कर दें। पहले से किया बना रखा करें, एक तो उसका कलर अजीब सा हो जाता है और वो मज़ा भी नहीं आता। तो काम करते वक्त 1 से 2 मिनट लगते हैं फ्रेश सब चीज़ें बनाने में, कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखें जी, अब इसको अच्छे से हम फ्राई करते हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लहसुन अच्छे से हमारा फ्राई हो गया। अब इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन पहले मैंने क्यूब्स में रखा था, अब मैंने ये स्लाइस में रखे हैं, इस तरह के लंबे लंबे से ये स्लाइस होंगे। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है किस शेप के आप रखना चाहते हैं। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए, सारा कलर चेंज हो जाए ना, तो फिर इसमें आप टमाटर ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह, एक टमाटर है ये मैंने ऐड कर दिया, मतलब फलीसा मैंने चॉप किया था। जब टमाटर भी अच्छे से इसमें थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि ऐसे क्यूब्स में आपने अगर काटने के प्याज डालना है तो ऐसे कर लें, या स्लाइस में करना है तो स्लाइस में कर लें, कोई मसला नहीं है। जो उनसे भी आप ऐड करना चाहते हैं ऐसे कर लें। 1-2 मिनट अच्छे से भुनाई करने के बाद ना हमने इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून फुल भर के नमक। स्पाइसेस के हिसाब से अपनी मर्ज़ी है, ये रेड चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आपके पास ओरिगानो है तो ऐड कर लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं फ्लेवर के लिए इसलिए डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हमने मसाले ऐड करने थे जितने, वो कर लिए। अब हम इसमें सॉसेज ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह, टमाटर पेस्ट है या टमाटर केचप, जो भी आपको घर में आपके पास आसानी से है ना, वो ऐड कर लें और अच्छे से बर्तनों को साफ़ कर लें। ये 4 चम्मच के करीब मैंने टमाटर केचप डाली है और 1 चम्मच भर के चिली सॉस है। ये देखें चिली सॉस, आप अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो ये बना लें। ये टमाटरों में आपने रेड सुरख मिर्चें, थोड़ा सा सिरका ऐड करके इसको ना अच्छे से इसका पेस्ट बना लें, तो इंशाल्लाह आपके चिली सॉस बन जाएगी। ये भी बनानी बहुत आसान है, मैं कभी इंशाल्लाह आपको ये तमाम सॉसेस भी बनाना सिखाऊंगी। 1 चम्मच सोया सॉस, अब इनको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसमें फिर ये पास्ता ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह, पास्ता मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आपकी मर्ज़ी है इसमें, अगर आपने चिकन ऐड करनी थी कर लें, नहीं तो सब्ज़ियाँ डाल के कर लें। चीज़ें ऐड करनी, सब्ज़ियाँ, चिकन या कुछ भी, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका अपना फ्लेवर है। मज़रेला चीज़ को ना थोड़ा सा कद्दूकश कर लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, स्लाइस करके डाल लें, स्लाइस करके डाल लें। तो 5 मिनट हो गए चीज़ को डाले हुए, अब मेल्ट हो गई होगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी लुक आई है, पास्ता बनने वाला चीज़ी पास्ता हमारा, देखिए कितना डिलीशियस सा हो, ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। अब इसकी ये फाइनल लुक मैं प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 2 किस्म के पास्ते रेडी हो गए हैं। अब मैं तीसरा पास्ता रेडी करने लगी हूँ, वो व्हाइट सॉस के साथ होगा, देखिएगा। वो भी बहुत आसान सा होगा और घर की चीज़ों से होगा, उसके लिए भी आपको बाजार से कुछ नहीं मंगवाना पड़ेगा। तो देखिएगा इंशाल्लाह ताला वो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक लाजमी देखिएगा, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ, इतनी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, आप लोगों की आसानी के लिए, तो इतनी मेहनत में देखिए, प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक कर दिया करें वीडियो को। चलिए अब तीसरा रेडी करते हैं। चले जी अब तीसरा रेडी करते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है और थोड़ा सा उसमें मक्खन ऐड कर दिया। जैसे ये मक्खन मेल्ट होता है ना, इंशाल्लाह देखिएगा, जैसे ये मक्खन थोड़ा सा मेल्ट होता है, साथ ही थोड़ा सा ना ऑयल डाल दें या घी डाल दें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं भी डालना तो खाली मक्खन भी काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा ना ये डालने से ना मक्खन जलता नहीं है। मक्खन तकरीबन सारा मेल्ट हो गया,
जब अच्छे से मक्खन मेल्ट हो जाए तो उसमें थोड़ा सा ये लहसुन के जवे ये ऐड कर दिए मैंने। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसमें चिकन ऐड कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपने चिकन डालना है, सब्जी डालनी है, जो भी डालना है। बिस्मिल्ला, चिकन को अच्छे से ना इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करें। ये थोड़ी सी बस मैंने चिकन ऐड की है फ्लेवर के लिए, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने चिकन ऐड करनी है चिकन कर लें, सब्ज़ियाँ करनी है सब्ज़ियाँ कर लें, या खाली वाइट सॉस के साथ रखना है तो वैसे रख लें। ये लें जी, जब अच्छे से ये फ्राई हो जाए इसको वाइट सॉस के साथ बनाना है, क्रीमी सी लुक देनी है इसको। तो इसके लिए अगर आपकी मर्ज़ी है कि मैदा डाल के भी अच्छे से भून के भी वो बना सकते हैं, लेकिन मैदा डालने से ना उसकी भुनाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और थोड़ा बहुत अगर कच्चा रह जाए तो वो सारा वेस्ट हो जाता है। अगर आप इसमें क्रीम ऐड करना चाहते हैं तो क्रीम ऐड कर लें, लेकिन मैं आपको एक नई चीज़ दूँगी, देखिएगा इंशाल्लाह इससे भी आपकी बहुत क्रीमी लुक बहुत अच्छी आएगी। इसमें ये देखें एक गिलास से भी थोड़ा कम है, बिस्मिल्लाह इसमें दूध ऐड कर देते हैं। अब इसकी सॉस तैयार करने के लिए हमने ना ये देखें थोड़ा सा दूध ले लिया, इसमें भर के 2 चम्मच भर के ना ये कॉर्नफ्लावर ऐड कर दूँगी। ये टीस्पून है तो ये 4 होंगे, अगर ये दूसरे होते तो 2 होने थे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जब तक दूध को बॉयल नहीं आता इसको अच्छे से मिक्स कर लें। दूध को बॉयल आ गया, अब इसमें इसके मसाले डालते हैं। इसमें अगर आपके पास काली मिर्च पिसी हुई है तो काली मिर्च डाल दें, अगर वाइट है तो वाइट डाल दें, मेरे पास तो काली है तो मैं इस काली मिर्च पिसी हुई डाल दी हूँ उसमें। और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे बस, इसमें सुधक मिर्च ऐड नहीं करनी क्योंकि ये हमने वाइट सॉस के साथ बनाना है। अब ये हमने जो कॉर्नफ्लावर दूध में ऐड किया था ना कॉर्नफ्लावर, इसको अच्छे से ना मिक्स कर लें दोबारा से, क्योंकि ये ना नीचे लग जाता होता है, तय में बैठ जाता है। तो ये लेंगे बिस्मिल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके ये ऐड कर दें। 1-2 मिनट पकाने के बाद इसकी ऐसे थिकनेस आ जाएगी, जैसे इसमें ये थिकनेस आ जाए तो फौरन आप उसमें पास्ता ऐड कर दें। पास्ता ऐड करके इसको मिक्स कर लें अब, लेकिन याद रखें जब आप ये वाला वाइट सॉस वाला पास्ता बनाएं तो ये तभी बनाएं जब आपने सर्व करना है, बना के रख नहीं सकते। बना के रख देंगे ना तो वो ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब ये भी रेडी हो गया है, और कितना झटपट हुआ है, और घर की चीज़ों से, हमें कुछ भी ऐसा नहीं कि बाज़ार से मंगवाना पड़े। अब इसको क्रीमी बनाने के लिए अगर आपके पास चेडर चीज़ है तो वो थोड़ी सी ऐड कर लें, उससे और मज़े की लुक आएगी। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे भी इतना अच्छा मज़े का बनेगा ये इंशाल्लाह आपका। अब ये भी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 किस्म के पास्ते बनके तैयार हैं। देखें ये तीनों रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहे हैं, लेकिन ये हमने घर में बनाए हैं, कितने मज़े के और घर की चीज़ों से बन गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज़ डेली बेस पर मैं आप लोगों के लिए मज़े की चटपटी सी कोई ना कोई नई रेसिपी लेके आती हूँ। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी ईमान में रखे, आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चले जी मोहम्मद मोजन आ गए हैं, इनको अब मैं निकाल के दिखा देती हूँ पास्ते, ताकि ये हमें टेस्ट करके बताएं कि कैसे बने हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो चले जी तीनों पास्ते बनके तैयार है, तो चले जी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, व्हाइट सॉस के साथ सो यमी। चलें नेक्स्ट ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और नेक्स्ट मज़ा आ गया, सो यमी वेजिटेबल वाला खाते, सो यमी मज़ा आ गया। चीज़ी पास्ता भी बहुत मज़े का है, केचप वाला पास्ता भी बहुत मज़े का है, और चीज़ी पास्ता भी, बल्कि सारे पास्ते ही बहुत मज़े के हैं। थैंक यू सो मच मॉम।